ठीक है, एक आग इसकी ब्लू है, एक येलो है। कोई वैक्सीन नहीं करवाना, कुछ भी नहीं आपको इनको करना। ब्रदर ये कैर फूड ले रहे हैं, चिकन बॉइल ले रहे हैं, और इनको पहली जो वैक्सीन है ना वो जरूरी है लगवानी। असल लोग वैक्सीन नहीं करवाते, वैक्सीन करवाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और लोग क्या कहते हैं कि जाते सार हमारे घर में ये चाबी वाला खिलौना बन जाए, हमारे इशारे पे चलना शुरू हो जाए, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। अगर हम ये जैसे कोई लेके जाता तो जाते सार यानी कि एकदम से जैसे हम यहाँ पे खेल रहे हैं, तो ये आप कहते हैं कि घर जाके भी ऐसे ही खेलेंगे? लोग कहते हैं कि घर जाके इसी तरह चाबी वाला खिलौना बन जाए, पर एक आधा दिन, चार दिन, पाँच दिन लगते हैं जस्ट होने में। लोग परेशान हो जाते हैं जी हम ये हो गया, हमारे किचन को वो हो गया। दुकानदार से मशवरा नहीं करते, दुकानदार की ना मानते हैं। हमारे पास भी ये पहले हाथ किचन आते हैं, ये बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल ये डरे होते हैं, अपना घर छोड़ के आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा पेट कंफ्यूज होता है। और गाड़ी में भी ट्रैवल वगैरह भी करने में जानवर कंफ्यूज हो जाता है। लोग कहते हैं ये हमारे घर में जाते सार इनको चाबी लगाएं, स्पीड पकड़ लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा? इनको चार पाँच दिन अपने घर में जस्ट करें, फिर अपने घर में इनको सरवाइव करवाएं। सही। अच्छा मैम भी अगर आपसे भी लेके जाना है तो क्या कोई केज वगैरह में लेके जाए या वैसे किसी डब्बे में, जैसे वो लोग शॉपिंग बैग में तो नहीं, शॉपिंग में ले जाए, शॉपिंग बैग में तो नहीं, वगैरह लगने से कोई आवाज आता नहीं होता जानवर या हो जाता है? जाहिर सी बात है जानदार चीज है, हमें भी इस तरह तंग कोई करेगा हम भी आवाज आ रहे हैं। इनके लिए टोकरी होती है, टोकरी में आप पैक करें, इनके लिए जेट बॉक्स होता है, जेट बॉक्स में पैक करें। ज्यादा सख्त हाथ से पकड़ना भी नहीं चाहिए, लोग अपने घर में ले जाते हैं 24 घंटे गोद में उठाई रखते हैं, ये आवाजदार हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी बीमार हो गया। सही। पकड़े और लोग थोड़ा सा गंदा होता है, शावर दे देते हैं, लोगों को ये नहीं पता होता है शावरिंग के बाद इनको हेयर ड्राई भी करना है, इनको टॉवल के साथ खुशक भी करना है। बस क्लाइंट अक्सर हमें तो सुबह 6 बजे भी परेशान करना शुरू हो जाते हैं। अभी एक मैंने बिल्ली दी है सिंध में, ठीक है, उनके घर में बिल्ली गई है, 4 दिन बिल्ली ने कुछ खाया नहीं है, और सिंध की ड्राइव की है, नया लोग, नई जगह, तो अब आगे वो मुझे सुबह 7 बजे की कॉलें कर रहे हैं कि हमारी बिल्ली आ गई है, वापिस आगे पकड़े उनको, वापिस ले ले ये वो। इस तरह बिल्कुल नहीं होता, क्लाइंट इसी तरह बस फोन पे फोन कर ही रखते हैं। अब कहते हैं जो जिनके पास बीमार हो जाए वो कहते हैं कि आप ही डॉक्टर के पास लेके जाए। अरे भाई मेरे पास इतनी कैट है, अगर मैं ही डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा तो सारी कैट्स कंफ्यूज हो जाएंगी, सारी बीमार कर लूंगा। बस ये होता है क्लाइंट को, बस यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जो क्लाइंट लेके जाता है उनको प्यार से रखें और सबर करें, सबर के साथ चले। अक्सर क्लाइंट बड़े जज्बाती होते हैं कि जी हमारे पेट ने आज नहीं खाया तो ये वापिस ले लें, ये कर लें। हमारी सिर्फ शॉप तक की गारंटी होती है, शॉप से बाहर जो पेट हमने सेल कर देना है हमारी गारंटी खत्म हो जाती है, जिंदा पहुंचने की गारंटी होती है, जानदार चीज की 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं होती। कार्गो जब दिखाता हूँ वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ, कॉल पे दिखा के उनको कार्गो पैक करके जब भिजवा देता हूँ, उनके घर में जाके बीमार हो जाता है। बाद में क्लाइंट कहते हैं हमें ये क्या दे दिया। अभी ये देखिए कितने एक्टिव है, इसी में क्लाइंट को देता हूँ हाथों में पकड़ पकड़ के, इनको बीमार कर देंगे। ये सिद्धार आएंगे वो भी पकड़ेंगे, कोई रेफरेंस के लोग आएंगे वो भी पकड़ेंगे, 24 घंटे इनको हाथों में रखेंगे, 3 दिन में ये किटन बीमार हो जाएगा। दुकानदार को बोलेंगे ये नहीं जी ये 3 दिन में बीमार हो गया, पर ये नहीं बताएंगे हमने इनके साथ ज्यादती क्या की है, हमने इनको क्या खिलाया क्या पिलाया, बस ये क्लाइंट नहीं कहता। अच्छा मैम भी जैसे कि बड़े एक्टिव है, तो ये फीड वगैरह में क्या दिया जा रहा है इस टाइम? इस टाइम मैं तो आपकी सोबत तो की एक बार आपकी शॉप पे आप क्या दे रहे हो? मैं इनको चिकन बॉइल दे रहा हूँ और कैट फूड दे रहा हूँ, दो टाइम इनको खाना दे रहा हूँ, एक्टिव आपके सामने है ये देखें।
नहीं नहीं इनको देना चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा। अब क्लाइंट कहते हैं कि ज्यादा खाए जल्दी बड़ा होएगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। ब्रश करना जरूरी है, दो टाइम इनका ब्रश होता है, ठीक है, दो टाइम इनको ब्रश करें, सुबह शाम इनको ब्रश करें, और खाने में बिल्कुल कम खिलाएं, और ज्यादा देर हाथों में प्लीज कैंडी ना पकड़ें, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, ये ज्यादा देर हाथों में पकड़ने वाले पेट नहीं है। जब आप 3-4 महीने उनको प्यार से हाथों में जस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप 3-4 माह जस्ट करें, जाते साल आप हाथों में ज्यादा देर ना पकड़ें, बीमार हो जाते हैं पेट, तो फिर दुकानदार पे एक्शन आता है, आपने दिए बीमार है। दोनों क्वालिटी देख लें आपके सामने है, इम्पोर्टेड है, अच्छी क्वालिटी है, ट्रिपल कोटेड है, पंच फेस है दोनों। इनका जैसे लाइन का होता है ये, देखे ना साइड इनके, और जो ट्रिपल कोटेड होता है वो नजर आ जाता है, क्वालिटी आपके सामने ए प्लस क्वालिटी है, ट्रिपल कोट जो लोग लाइक करते हैं पिक्चरों में, गूगल पे, यूट्यूब पे देखे क्वालिटी, ये तस्वीरों में किटन नजर आते हैं इस तरह के, हर बंदा नहीं ये किटन दिखाएगा, ना हर बंदा कोई दिखा सकता। दोनों मेल है फीमेल है काइंडली थोड़ा गाइड करें। ब्रदर जो इनके अंदर ओड आई है ना, ये वाला किटन जो है ना ये फीमेल है, ठीक है, और ये वाला मेल है, ये मेल फीमेल पेयर ही है मेरे पास। और अक्सर लोग जो है ना फेसबुक पे देखते हैं आप किटन लगे हैं, वो गूगल से पिक्चर उठाते हैं इस तरह के किटन की तो लगा देते हैं, ठीक है, और दिखाते कुछ है देते कुछ है। हमारी आदत है कि जो चीज हमारे पास पड़ी है वो लाइफ दिखाएं, और आपके सामने है और लाइफ दिखा रहे हैं, क्वालिटी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी ए प्लस क्वालिटी, अच्छी चीज, अच्छी चीज के अच्छे पैसे। इसमें हल्दी क्वालिटी भी पड़ी है, मेरे पास अभी 50-60 बिलियां पड़ी हैं शॉप पे, अगर आप दिखाते हैं तो मैं आपको काफी बिलियां दिखा सकता हूँ। हाँ जी क्वालिटी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अपने व्यूवर्स के लिए क्वालिटी अच्छी से अच्छी इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। और ये तो आप कह रहे हैं कि वो दिखाते कुछ मुझे, ऐसे भी बंदे यानी कि मुझे मैसेज वगैरह आए हैं कि भाई क्या मैं लेने से पहले ना आपको पता, मैंने भी आपको बताया हुआ कि लोग मेरे से पूछते हैं हाँ जी कि भाई हम लें या ना लें, मार्केट कैसी है कैसी नहीं है, जाहिर सी बात है। और वो बंदे मुझे कहते हैं कि भाई हमने फेसबुक या OLX से जो लिए हैं ना हाँ जी, सिर्फ हमने पैसे भेजे ही हैं, हमें जानवर भी नहीं मिला, बस लोग टोपिये डालते हैं, फ्री स्टाइल इस तरह का काम करते हैं, गूगल से चीज उठाई पोस्ट कर दी, अपने पास घर में शॉर्ट हेयर पड़ा लॉन्ग हेयर की पिक्चर लगाई और उसको कार्गो करवा दिया, ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। अब मैंने आपके व्यूवर्स को इसलिए कहा कि किसी को कोई भी पेट खरीदना है मार्केट से खरीदना है कि मार्केट से आपके बेचना है खरीदना है, और एक दफा भाई को दिखाएं, अच्छा इंशाल्लाह गाइड करूंगा ये पेट लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है, इंशाल्लाह ये बताऊंगा आपको। और गूगल की पिक्चरें ये वो मुझे वो भी दिखाएंगे, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ये गूगल की पिक्चर आपको दिखा रहे हैं लाइव है, ये उनके पास पड़ा भी है कि नहीं पड़ा। और कोट भी आपके सामने है, ट्रिपल कोट ही चाहिए। अच्छा रमजान भाई जो इनकी एज आपने क्या बताई है, एज ये 1.5 मंथ्स के हैं, डेढ़ माह में इनको कोई बीमारी वगैरह भी होती है इस एज में? हाँ जी इस एज में कुछ भी, हाँ जी इस एज में इनको वायरस हो जाता है फ्लू का, ठीक है, वो पहली सिरप कोई मेडिसिन सिरप कोई भी नहीं है। हम लोग तो यहाँ परिपति को भी फ्लू का वायरस होता है, छोटी को भी होता है, वेब्रामाइसिन एक कैप्सूल मिलता है 5-6 रुपए का कैप्सूल है, ठीक है, और किसी की भी कोई बिल्ली बीमार होती है मेरे से रजू करें, मेरे से रब्ता करें, इंशाल्लाह उसको घर बैठे ही डॉक्टर बना देंगे, क्योंकि हम लोग डॉक्टरों के पास जा जा के ना तो डॉक्टर खुद ही बन गए हुए हैं, ठीक है, तो आप किसी के भी कोई भी पेट बीमार होता है एक दफा हमारे से रब्ता करें, उसका पेट घर पर ही पड़ा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। रमजान भाई अभी भी उसी तरह की कंप्लेनें आ रही है कि आपका नंबर बंद रहता है, ये तो वो मेरा दोबारा गाइड कर, मेरी शॉप के बिल्कुल सामने है जेल, यहाँ चैम्बर वगैरह लगे हैं जेल में, नंबर बिल्कुल नहीं ऑन होता, व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करें, लोग टैक्सी पे टैक्सी उठते हैं डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें, सबको मेरे नंबर का पता है, व्हाट्सएप पे कॉल करें उसी टाइम क्यों नहीं, और दोपहर 2 बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें, और क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी आपके सामने है, और कैड आपकी शॉप से हर प्राइस में मिल जाएगी। मेरी शॉप पे अभी 7000 की भी पड़ी है और 50000 की भी कैड पड़ी है, कैड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, काफी वैरायटी है अपने पास पड़ी है। ठीक हो गया रमजान भाई, ओके जी, लाफ़िज़।